नमस्कार, S4 नोट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो में मैं आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। यह जो वैकेंसी है उसकी सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नए वैकेंसी के बारे में। इंडियन रेलवे BLW वाराणसी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2021 रेलवे में निकली भर्ती, जाने डिटेल। इंडियन रेलवे ने बनारसी रेल इंजन कारखाना के लिए बम्पर भर्ती निकाली है और रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक 10वीं पास उम्मीदवार भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे है इंडियन रेलवे DLW वाराणसी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2021। इंडियन रेलवे ने बनारस रेल इंजन कारखाना के लिए बम्पर भर्ती निकाली है और इस भर्ती के तहत योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 15 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक 10वीं पास उम्मीदवार भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इंडियन रेलवे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निकाली गई इस भर्ती के तहत अप्रेंटिस के 374 पदों को भरा जाना है। हालांकि पदों की संख्या को बदला जा सकता है। आगे देखेंगे पदों के विवरण के बारे में। तो अप्रेंटिस ITI के लिए 300 पद रखा गया है और अप्रेंटिस गैर ITI यानी नॉन ITI के लिए 74 पद रखा गया है। कुल 374 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। इसकी योग्यता की बात करते हैं तो अप्रेंटिस ITI के लिए 10+2 परीक्षा प्रणाली के तहत 10वीं में कम से कम 50% अंक होना जरूरी है और साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI का होना भी जरूरी है ITI के लिए। और नॉन ITI के लिए अप्रेंटिस गैर ITI के लिए इस पद के लिए उम्मीदवार का 10+2 परीक्षा प्रणाली के तहत 10वीं में कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है और इसमें ITI अनिवार्यता नहीं रखा गया। आगे देखेंगे एज लिमिट की बात। तो एज लिमिट है अप्रेंटिस गैर ITI के लिए, नॉन ITI के लिए 15 साल की उम्र से लेकर के 22 वर्ष की उम्र तक को इसको भर सकते हैं नॉन ITI वाले। और अप्रेंटिस ITI वालों के लिए इस पद के लिए 15 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष तक उम्मीदवार को आवेदन कर सकते हैं। बेल्डर और कारपेंटर के पदों के लिए उम्मीदवारों की वायु सीमा 15 वर्ष से 22 वर्ष तक निर्धारित की गई है। BLW बनारस अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2021 के मुताबिक उम्मीदवारों का चयन जो है वह मेरिट के आधार पर होगा, इसका चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना था और किसी भी तरह का नोटिस या फिर अपडेट, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से निकल करके आता हो, तो मैं आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।